जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर फीचर्स मैंसन है, ये सभी फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर CTT पेपर फर्स्ट मैराथन सीरीज होने वाली है, जो कि आपकी फ्री लाइव क्लासेस होगी और आप इसको 30 अक्टूबर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा AIIMS CTT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर CTT पेपर 2, जिसकी जो बैच है वो आपकी 2 नवंबर से स्टार्ट होगी, और अगर आप यहां पर एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑल बैचेस मिल जाएगी। साथ ही यहां पर CTT पेपर फर्स्ट फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021, जो इसकी बैच है वो आपकी ऑलरेडी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये भी आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा यहां पर आपका रिवीजन बैच कोर्स ऑन STET, जिसकी जो बैच है वो आपकी 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी सेम ही है कि एक बैच, एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको यहाँ पर सभी बैचेस मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक महीने का प्लान लेने पर आपको 1200 रुपये पे करने होंगे, और 12 मंथ यानी कि एक ईयर का प्लान लेने पर आपको 6000 रुपये पे करने होंगे, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक का इस्तेमाल करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इनका ऐप डाउनलोड करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोंकण रेलवे भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है, और जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कन्फर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर KRCL भी बोलते हैं। जॉब नेम की बात करें तो यह भर्ती आपकी टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल के पद पर निकाली है। सैलरी आपको क्या मिलेगी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानने को मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी आपकी 58 निकाली गई है। जॉब लोकेशन, तो यहाँ पर जो आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा रहेगी। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे वो भी महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा से ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो अन्य स्टेट बचती है उनसे कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर 2020 है। 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, और आप 27 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी konkanrailway.com है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको इसके बारे में अपडेट मिल पाएंगे। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप यहां पर देख लीजिए। इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, और साथ ही आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा वो CVT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद जो कैंडिडेट इन दोनों को पूरा कर पाएंगे उनका मेडिकल एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस इसमें जो 250 रुपये है वो आपकी SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन कैंडिडेट के लिए है, और जो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है ये आपके जो अदर कैंडिडेट बचते हैं कैटेगरी के उनके लिए रखी गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन फीस जो रहेगा वो आपका इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप फीस को जमा कर पाओगे। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देख सकते हो इस भर्ती के बारे में जानकारी दी हुई है। आप यहां पर देख लीजिए जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एक तो लैंड लॉजर कैंडिडेट यानी कि जिनकी जमीन जो KRCL का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर दी गई है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें जो इन जगह से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के इन डिस्ट्रिक्ट से है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ पर KRCL प्रोजेक्ट है और आपकी ज़मीन KRCL प्रोजेक्ट में गई है, तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट में से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नीचे यहां पर आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अंदर जो आती है वो आपको दी जाएगी। फिर यहां पर जो आपकी एज लिमिट है वो आप कंफर्म कर लीजिए, 18 से 33 साल के बीच रखी गई है, और ये काउंट की जाएगी आपकी 1/1/2021 तक। इसी के साथ आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके साथ यहां पर मैं आपको जानकारी देता हूं आपकी जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में, जो ये भी आपकी ऑफिशियल जानकारी यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन
एडमिशन से होने वाली है, आप यहाँ पर देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया कि कैंडिडेट के पास यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC यानी कि 10वीं प्लस ITI। तो आपके पास 10वीं और ITI की योग्यता होनी चाहिए, आपकी जो ITI है इनमें से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। और ये जो ITI है चाहे वो NCVT के द्वारा हो चाहे SCVT के द्वारा हो, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। दोस्तों ये थी आपकी कोंकण रेलवे टेक्नीशियन 3 भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।